राजस्थान में विधानसभा चुनाव आज चल रहे हैं और आज सभी अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदान कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मतदान कर चुके हैं। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, वह कोई नहीं भूल सकता। दिवंगत कन्हैयालाल जी के दो पुत्र हमारे साथ में है, यश और तरुण। यश से बात करेंगे। यश, अपना वोट देके आए आप, क्या मन में थे, सोच क्या थी, अपना वोट देने से पहले क्या सोच के गए थे? मतलब हमने अपना सोच, मतलब बहुत सोच समझ कर ही वोट दिया और एक मतलब यही सोच के वोट दिया कि ये जो हमने वोट दिया वो एक राष्ट्र हित में हो। और ऐसा लगता है कि जो भी मतलब जो भी पार्टी जीतेगी इस मतदान के बाद वो हमें मतलब न्याय दिलाने में हमारी मदद करेगी और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने में सहयोग करेगी। 1.5 साल लगभग हो गया है उस घटना को, इतना लंबा टाइम, पहले क्या वादे हुए थे, स्थिति क्या लगती है? मतलब 1.5 साल हो गया उस बात को और सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर 3 से 6 महीने के अंदर अपराधियों को सज़ा दिलाने में मदद करेंगे, पर जैसे कि 1.5 साल होने आया है उस चीज़ को देख रहे हैं हम, बट अभी तक भी ऐसा कोई आसार नहीं कि केस फास्ट ट्रैक में चल रहा हो या अपराधियों को कब सज़ा मिलेगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी बड़े बड़े वो जो ऐसी एजेंसी जिस पर काम कर रही है, जैसे इस पर NIA काम कर रही है, तो उसके साथ मिल कर उस पर प्रेशर डालकर जल्द से जल्द उन अपराधियों को सजा दिलाने में सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो। अच्छा, आपकी किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी से बात होती होगी इस केस को लेकर, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या जवाब मिलता है उनसे? मतलब मेरी NIA से मतलब ऐसी कुछ बात होती है, अगर मैं कुछ पूछता भी हूँ जैसे कि चार्जशीट वगैरह के बारे में, तो उनका यही कहना है कि हम इस केस की मतलब कुछ भी बात ऐसे बाहर लीक नहीं कर सकते क्योंकि हम मतलब सीक्रेट एजेंसी है, तो छोटी से छोटी बात भी बाहर फैलने का डर है, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बताते। तो मतलब आपके लिए ब्लाइंड है अभी तक पूरा? बिल्कुल, जो भी है वो हमारे लिए ब्लाइंड है। जो भी न्यूज़ में आता है और जो ऐसा हमको पेपर वगैरह से पता चलता है, वही जैसा जो सभी को पता पड़ता है उसी वे में। कोई एडवोकेट भी होगा से कोई चर्चा होती है? नहीं, एडवोकेट भी गवर्नमेंट ने ही बनाया है और उससे भी हमारी कोई चर्चा नहीं है, वो भी नहीं बताते हैं नहीं इसे। अच्छा, आप छोटे भाई हैं इनके, तरुण नाम है, आप भी अपना वोट देके आए हैं, आप सरकार कैसी चाहते उस घटनाक्रम के बाद? सर, सरकार का तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी हमने हमारे मतदान हमारे मतलब सोच के दिया है, बस हम यही चाहते हैं। 1.5 साल ऊपर हो गया है और अभी तक मतलब उनको दोनों मुजरिमों को सज़ा नहीं मिली, अब हम यही चाहते हैं अब जो भी नई सरकार है बस इस केस को फास्ट ट्रैक में लेके करें। अभी तक क्या दिखता है आपको, इतना टाइम लंबा गुजर गया है, अब तक क्या क्या सुनने को मिला है इस केस को लेकर आपको, NIA हुई, नेता हुए, पूरा मतलब देखो पूरा 1.5 साल होने आया, पहले भी हमको वादे किए गए थे कि इस केस को फास्ट ट्रैक में लेकर पूरा करा जाएगा, बहुत टाइम हो गया, 1.5 साल होने आया, अभी तक ना हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है और ना कोई डायरेक्टली पता पड़ता है, वही बात है, बस हम ये चाहते हैं अब जो भी नई सरकार है बस जल्द से जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक में लेकर ख़त्म करें। अच्छा, आपने चप्पल भी छोड़ रखी और बाल भी नहीं कटवा रहे हैं? हाँ, मतलब मैंने उस टाइम से जब मैंने मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी थी उसी समय प्रण ले लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा, और यही कि जब उन अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी तभी अस्थि विसर्जन भी करेंगे। दोनों से बात हुई, यही कहना है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र के इस त्यौहार में भागीदारी निभाई और अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन अब बारी है आने वाली सरकार की, जो इतनी निर्मम तरीके से हत्याकांड हुआ उसमें इनको जो इनका न्याय है वो न्याय पूरी तरह से मिले। ABP News से विपिन सोलंकी, उदयपुर।